कितना क्रीमी और कितना अच्छा ये बेसन की सब्जी बन के रेडी हुई है। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे आए हो? हम लोग अच्छे होंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन की सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। बस रोटी और पराठा के साथ खाने को बिल्कुल दम मन कर रहा है, बस तुरंत खा लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ के प्याज को हम पहले ही कुकर में गला लिए थे, तो थोड़ा सा जो बचा है उसे कढ़ाई में हम इस तरह से चला के गला लेंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के पहले से ही रख लिया था, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे चलाते हुए। इस तरह से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ढक के इसे पकाएंगे जब तक तेल रिलीज ना हो जाए। तक उधर हमारे बेसन पक मसाले पक रहे हैं, तब तक इधर हम बेसन में बाकी चीज़ें इसका घोल बना लेंगे जो बेसन की सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाल मिर्च ले लिया है और यहाँ पे हमने जीरा ले लिया है, बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। एक बैग नहीं पानी ऐड करेंगे वरना इसमें मतलब गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसकी गुठलियाँ मतलब मिक्स करेंगे। इस तरह से में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छे से फेंट के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं इसे अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। क्या देख सकते हैं हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून गए हैं और तेल रिलीज होगा, तब बस इसमें आप कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक ऐड किया था पहले ही। बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो हमने एक गिलास के करीब पानी ऐड किया है। बेसन की सब्जी हम जूस वाला बना रहे हैं तो हमने इतना ही पानी ऐड रखा है और उसके बाद अब इसे ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसे ढक दिया है और इसे पकने के लिए हमने दूसरे साइड कढ़ाई रखा था जो हम इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाएंगे और ये जो बेसन का डो हमने तैयार किया था इसको हम इसमें अच्छे से फैला लेंगे, जैसे हम बेसन का चिल्ला बनाते हैं उस तरह से। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है और मेरी मतलब सासू माँ भी बनाती हैं तो मैंने उन्हीं से सीखा था। तो इस तरह से फैला देंगे। हमारा एक साइड से हो गया तो बस हमें दोनों साइड से इसे नहीं पकाना है, बस इस तरह से रात के हमें इसकी एक रोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं का हमें इस तरह से रोल बना लिए हम, कि ये रोल बन के हमारा रेडी हो गया है। प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे, फिर इसमें हमारे जो डो है उसे ऐड कर देंगे, फिर ऐसे ही फैला के हम बना लेंगे एक और।
और बेसन की सब्जी बहुत अच्छी। यहाँ पे ये बन गया है, तो बस इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसके सारे रोल को हम कट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे कट हो गए। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमारे जो जूस है वो भी पक गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये गाढ़े भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा और इसे हम गाढ़ा कर लेंगे और इसमें अब ऐड कर देंगे हमारे जो बेसन है। सारे बेसन को इसमें ऐड करके इसे पका लेंगे हम 10 मिनट। यहाँ पे हमारे बेसन जो है वो अच्छे से पक गए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे बेसन की सब्जी रेडी हो चुकी है। तो बस अब गैस को करेंगे ऑफ और हमारे बेसन की सब्जी रेडी।